एक एक्वास्केप के पीछे एक विजन होता है, एक कहानी होता है, एक आइडिया होता है जिसको हमें एक्वास्केपर्स या हॉबीज़ को रियलाइज करना पड़ता है या उसको रियलिटी में लाना पड़ता है, इमेजिनेशन को रियल बनाना, वो एक्वास्केपर का काम। ये वाला एक्वेरियम आपने अब तक 3 वीडियो देखे हैं, इसके सेटअप का, फिल्टर फिटिंग या अनबॉक्सिंग का, फिश डालने का, एंड ये फाइनल वीडियो है इसका जिसमें हमने लाइट्स भी फिट किया है, फिश भी डाल दिया है, पूरा एक्वास्केप रेडी है, या ये कह सकता हूं मेरा कावेरी रिवर रेडी है, इंडियन बायोटोप। और आज वाटर चेंज करेंगे, थोड़ा ग्लास भी क्लीन करेंगे, फिश को खाना देंगे 3 दिन बाद, ये क्वारंटाइन पीरियड मैंने फिश वाले वीडियो में समझाया था आपको, ये जरूरी है। तो ये छोटे छोटे चीज करेंगे आज, बट उससे पहले थोड़ा ये लाइटिंग आइडिया का समझाता हूं। ये फिश ओनली एक्वेरियम है तो इसके लिए फैंसी लाइटिंग नहीं चाहिए, फिश को थोड़ा बहुत लाइट मिलेगा 3-4 घंटे का तो बस है, और ज्यादातर अगर थोड़ा डार्कनेस है तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है, ओवर लाइटिंग करने से उनको भी इरिटेट होता है। ओके, एंड ऑल्सो ये रूम में बहुत लाइट है तो उनको ये, बिना ये लाइट के भी वो खुश है, बस है वो लाइट। ये लाइट ज्यादातर हमारे शो के लिए, एक तो ये ब्राउन वाटर है बिकॉज हमने इसमें वो लीफ एंड बार्क वाला एक्सट्रैक्ट यूज किया था, आलमंड लीफ यूज किया है तो वो थोड़ा ब्राउनिश वाटर है, और ये लाइट ना येलो है। हमने यहां पे 30 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब, पुराना जमाने का, वो यूज किया, एलईडी नहीं है, बिकॉज मेरे को वो कलर चाहिए। हाँ, इसमें थोड़ा करंट ज्यादा खींचता है बट पूरा दिन रखने वाला नहीं हूं, 2-3 घंटे के लिए बस, या जब मेरे को देखना है तो मैं ऑन कर लूंगा, अदरवाइज इसमें कोई लाइट नहीं रहेगा। तो अभी संदीप वाटर चेंज कर रहे हैं और इसमें हम एनए वाटर से पानी भरेंगे, मैंने एनए वाटर के लिए एक वीडियो बनाया है, आपको दिखाया है कि एनए वाटर का फायदा क्या है, क्लोरीन रिमूव करता है पानी में से, हैवी मेटल्स रिमूव करता है, तो बहुत यूजफुल है। और ये रहा पूजा मैडम, आपको दिखा रही है एनए वाटर से पानी कैसे टैंक में आ रहा है। अभी ये पानी चेंज हो गया, ग्लास क्लीनिंग हो गया और पानी फिल भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप है एज ऑलवेज एडीए का बीटा मिक्स। ये एवरी वाटर चेंज में अगर आप यूज करेंगे तो फिश डी स्ट्रेस्ड रहेगा और शांत रहेगा। अभी हमने एक 40% वाटर चेंज किया है, तो मतलब 240 लीटर में 40% होता है कुछ 100 लीटर, 100 आसपास। ओके, तो इसका मैं अब एक 8 ml डालूंगा, 5, 6, 7, 8, जो हमने पानी निकाला था या नया पानी डाला है उसके रेशियो के लिए मैं डाल रहा हूं, पूरे के लिए नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उसमें था। ओके, नेक्स्ट, अगर आप एनए वाटर यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट टैप वाटर यूज करते हैं, तो कोई टैप वाटर कंडीशनर या क्लोरीन रिमूवर जरूर यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट दो चीज जो मैं करने वाला हूं, इंटरेस्टिंग बात है, जुड़े रहना, बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना इस बात को। ये फिश फूड है, इसका यूनिकनेस क्या है, ये फिश फूड हमारा ही ब्रांड है, हम ही बनाते हैं, इंडियन मेड है,
और बहुत जल्दी आपको भी मिलेगा, क्योंकि हम पहली बार खाना खिला रहे हैं तो मैं ये कर रहा हूं। फिश फूड मैंने हाथ में लिया है और इसमें मैं एक प्रोबायोटिक क्वारंटाइन मेडिसिन डालने वाला हूं, ठीक है, एक दो ड्रॉप डालूंगा। वो मेडिसिन भी आपको हमारे पास मिलेगा, अभी नहीं, वो सब रेडी हो रहा है। फिश फूड भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। ये छोटा पाइप है इसलिए मैं दो तीन ड्रॉप डाला है और इसको मैं मिक्स कर रहा हूं ताकि वो मेडिसिन इसमें मिक्स हो जाए। ये मेडिसिन क्या करेगा, फिश का पेट को साफ करेगा। अभी ये नया मछली है, इनको उनके पेट में इंफेक्शन हो सकता है, कुछ और इश्यू हो सकता है। ये मेडिसिन खाने से इनको पेट साफ होगा और हेल्दी रहेंगे। तो ये मैं डाल रहा हूं फिश फूड मेडिसिन के साथ। फिश इसको बहुत छाव से खा भी रहे, अच्छा है। अभी कैमरा सामने है तो थोड़ा फिश भी शाय हो रहे, बट खा लेंगे। फिश फूड इसमें है, अगेन इंडियन मेड, नया प्रोडक्ट, हमारा ही प्रोडक्शन है एंड बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, तब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। अभी ये टेस्टिंग ट्रायल चल रहा है और बहुत इजीली फिश खा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग फूड है, बहुत हाई प्रोटीन और हाई क्वालिटी का फूड है। और ये वो प्रोबायोटिक मेडिसिन जिससे फिश का पेट साफ होता है, क्वारंटाइन के लिए मेडिसिन समझो, या हफ्ते में एक बार आप खिला सकते हो, थोड़ा सा फूड में डाल के खिला देने का। उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह वगैरह, जिससे ना पेट साफ होता है। अगर फिश का पेट साफ है तो हेल्थी है, हमारा भी वही हालत है, पेट साफ है तो हेल्थी है, सिंपल। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने इस टैंक में फिश को क्वारंटाइन किया, सेट किया, टैंक को साइकिल किया, फिश को डालने के 3 दिन बाद खाना दिया ताकि फिश सेटल होने में टाइम ले, तब जाके फिश मोर्टालिटी कम होता है। मैंने फिश के वीडियो में प्रॉमिस किया था मैं आपको एक नया वैरायटी का फिश दिखाऊंगा, वो है मूस फेस लोच। मूस एक बड़ा हिरन जैसा है, यूजुअली नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। मूस फेस लोच इंडियन फिश है, ब्यूटीफुल फिश है, बहुत सुंदर है एंड अभी मेरे को भी इसके बारे में थोड़ा सीखना है, जानना है। उसके लिए मैं हिकारी का पैलेट डाल रहा हूं, जो सिंकिंग पैलेट है, रात को डालता हूं अंधेरे में जब सब लाइट वगैरह ऑफ है, ताकि उनको कुछ खाने को मिले, बिकॉज मैंने देखा है कि दिन में वो शांत एक कोने में बैठे रहते, तो आई प्रिज्यूम वो नॉक्टर्नल है या रात में ज्यादातर उनका एक्टिविटी होता है, तो रात को मैं डालता हूं एंड मुझे लगता है भी वो खा भी लेते। वो है मूस फेस लोच। तो आज इस पूरा जर्नी का, ये 4 वीडियो के सीरीज का एंड है, जिसमें आपने सेटअप, फिल्टर फिटिंग, लेआउट, यू नो, लाइट्स, क्वारंटाइन, साइक्लिंग, एक टैंक के लिए क्या क्या होता है, एक फिश ओनली टैंक के लिए आपने पूरा देखा। मैं आशा करता हूं कि आपने एंजॉय किया, मजा लिया, कुछ सीखने को मिला, 2 नए प्रोडक्ट देखने को मिले आपको, जो बहुत जल्दी लॉन्च होंगे, आपको मिलेगा भी। इसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं बता दूंगा जरूर, बट ये लॉन्च होने में थोड़ी देर है। ओके, नाउ एज ऑलवेज मेरे तरफ से, कैमरा वुमन पूजा मैडम के तरफ से, मेरे पूरे टीम के तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपसे,
बड़ा टैंक का सेटअप के साथ, 4 feet by 4 feet by 2 feet हाइट। इसका जो वुड है वो कुछ 4 feet हाइट का है। बहुत अमेजिंग टैंक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड उसका आप देखो, थोड़ा एक क्लिपिंग दिखाता हूं मैं उसका बेसिक लेआउट का। कमेंट्स में जरूर ये लिखना कि आपको इसमें कौन सा फिश अच्छा लगेगा, आपका चॉइस। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।